क्या ट्विन टावर नहीं गिराना चाहती थी मोदी सरकार, कोर्ट का फैसला नहीं टाल सकी। भूकंप रोधी बना था टावर, फिर गिरने का सवाल ही नहीं था, फिर क्यों गिराया गया है? ये कोई करोड़ दो करोड़ का नुकसान नहीं है, 4000 करोड़ जनता का धुआं कैसे बना? जिस वक्त भारत में ट्विन टावर गिरा, उस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये तस्वीरें देखी जा रही थी। जिस देश में हर परिवार को छत देने का सबसे बड़ा सपना हो, उस देश में 950 फ्लैट क्यों तोड़ दिए गए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार कोई भी याचिका क्यों नहीं लगा पाई? हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसा गणित जो आपकी आंखें खोल देगा। दावा किया जा रहा है कि ट्विन टावर को बनाने में 300 करोड़ का खर्च आया था, उसे तोड़ने में लगभग 20 करोड़ लगे, यानी कुल 320 करोड़। तो ये 320 करोड़ आए कहां से, किसका पैसा था? अगर आपका जवाब है उसका पैसा था जिसने बनवाया था, तो आप गलत हैं। अगर ये नहीं गिराया जाता तो जनता के लगभग 4000 करोड़ कैसे बच सकते थे? हमारे देश में पैसा बचाने के लिए अग्निवीरों का पेंशन तो रोक दिया जाता है, लेकिन करोड़ों धुआं बना दिया जाता है। ट्विन टावर में कुल फ्लैट थे 950, आज के हिसाब से एक फ्लैट की कीमत कम से कम 30 लाख थी। सरकार अगर इसे लेकर बेचती 2 अरब रुपए कमाए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी जो गरीबों को घर देते हैं उसकी कीमत 3 लाख आती है, तो ये घर उन्हें क्यों नहीं दिए गए? यानी टावर की लागत लगभग 300 करोड़, पीएम आवास बनता तो यही 3000 करोड़ का हो जाता। जब ये फ्लैट बनते हैं उसके पहले ही आम लोगों को बेच दिए जाते हैं, उसी पैसे से टावर भी बना था। जब ये फ्लैट बना था तब केंद्र में मनमोहन सिंह पीएम थे, यूपी में मुलायम माया और अखिलेश सीएम थे। देश का गजब सिस्टम है, टावर तो गिराया गया लेकिन किसी भी अधिकारी पर गाज क्यों नहीं गिरे? सुपर टेक बिल्डर की तरफ से जवाब आया कि उसे फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम नहीं रुकने वाला है। ट्विन टावर का निर्माण नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की मंजूरी मिलने के बाद ही किया गया था और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। ट्विन टावर के ध्वस्त होने से उनकी दूसरी रियल एस्टेट परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, समय से खरीदारों को घर दिए जाएंगे। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, गांव में लोग घर बनाते हैं और भाई भाई के बंटवारे में घर गिरा देते हैं, फिर जब यहां गिरा तो हम सवाल क्यों उठा रहे हैं? पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये पता करवाना था कि जिस अधिकारी ने ये पास किया वो कहां है, फिर पता करना था कि सरकार में ये भ्रष्टाचार का टावर खड़ा हुआ, फिर पता करवाना था सरकार की इसमें भूमिका क्या थी, क्योंकि ये टावर 1-2 साल में नहीं बना है। 2004 में जमीन आवंटित हुई और 2012 तक काम चलता रहा, मतलब कई साल, कई अधिकारी, कई सरकार, लेकिन क्या कोई जिम्मेदार नपा नहीं? इसलिए कहते हैं ताली बजाने के चक्कर में सवाल पूछना मत भूल जाइए, नहीं तो सिस्टम मिलकर घून जनता को बना देते हैं। अमेरिका या चीन में ये फ्लैट होता तो गिराया नहीं जाता, इसकी उपयोगिता तय की जाती। मीडिया ने भी ट्विन टावर पर चढ़कर रिपोर्टिंग की पर जनता का सवाल नहीं पूछा। जनता को समझ में नहीं आया, जिस देश में भूख को मिटाने के लिए मोदी सरकार मुफ्त में राशन देती है, उस देश में 1000 करोड़ धुआं क्यों बना दिया गया? उन फ्लैट्स को सरकार बेच सकती थी, सरकार कई 1000 करोड़ कमा सकती थी। जो अधिकारी जिम्मेदार है उन्हें तुरंत कुर्सी से उतारकर जेल भेज सकती है। महज 8 सेकंड में 32 फ्लोर वाला ट्विन टावर तो गिर गया, लेकिन क्या आप ऐसा ही चाहते थे? नोएडा में ऐसे दर्जनों टावर हैं, देश में सैकड़ों हैं जो अवैध बने हैं, तो क्या सबको तोड़ देना चाहिए? गरीब घर बनाता है तो 1000 नियम हमारी सरकार ही बनाती है, फिर अमीरों ने मौज कैसे काटी? सोचिए आप अगर एक फ्लोर ज्यादा बना दें तो आपके घर पर 10 बार अधिकारी आते ही होंगे। हम आपको हमेशा सकारात्मक खबरें दिखाते हैं, फिर ट्विन टावर गिराना क्या नकारात्मक कदम है? अभाव में अग्निवीरों का पेंशन काटा गया, फिर करोड़ों की बिल्डिंग को धुआं क्यों बनाया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।